वॉलनट्स में दूसरे नट्स की तुलना में फैट की मात्रा काफी होती है, इसीलिए इसे एक हाई कैलोरी फूड कहा जाता है। बट मजेदार बात यह है कि फैट रिच होते हुए भी ये हमें मोटापा नहीं देती। अगर हम इसे उस फूड आइटम से रिप्लेस कर दें जो हमें न्यूट्रिशन नहीं देती बल्कि हम खाली स्वाद के लिए उसे खाते हैं, लाइक ऑल ड्राइड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। अखरोट हमें स्वाद भी देते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से दूर भी रखते हैं। अखरोट को सुपर नट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाकी सभी नट से अधिक ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये ऐसे एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते बल्कि हमें भोजन से ही लेने पड़ते हैं। ये फैटी एसिड्स हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, इसीलिए वॉलनट्स को दिल के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ये हमारे ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे प्लेटलेट्स का चिपकने का खतरा कम हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स आपस में चिपक जाएं तो ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और फिर उससे शुरू होती हैं दिल संबंधित सभी बीमारियां। अखरोट खाने से ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जिससे खून का बहाव ठीक रहता है, स्ट्रोक और दिल संबंधित बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। ब्लड फ्लो स्मूथ हो तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। वॉलनट्स में विटामिन एंड मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन B6 एंड विटामिन E एक्सेट्रा। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स मेनली इसकी ब्राउन स्किन में पाए जाते हैं। ये हार्ट रिलेटेड डिजीजेस के रिस्क को कम करने के साथ साथ कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी रोकते हैं। इसमें ऐसे कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि डेली अखरोट खाकर हम प्रोस्टेट, कोलन, ब्रेस्ट और किडनी कैंसर से बच सकते हैं। नट्स आर एक्सीलेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। रोजाना अखरोट खाने से डायमेंशिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। डिमेंशिया एक ऐसा मानसिक रोग है जिसमें दिमाग ठीक से काम नहीं करता। वॉलनट्स में पाया जाने वाला विटामिन ई और फ्लेवोनॉइड्स डिमेंशिया को जन्म देने वाले फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने में मदद करता है। डिप्रेशन पर काबू पाने के लिए और बढ़ती उम्र के साथ दिमागी समस्याओं से बचने के लिए बढ़िया है ये दिमाग की शक्ल जैसे दिखने वाले अखरोट। जिन लोगों की याद शक्ति कमजोर है उन्हें अखरोट जरूर खाने चाहिए। जो लोग नींद न आने से परेशान है वो अखरोट का सहारा ले सकते हैं। इसमें मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो नींद लाने में मदद करता है, इसलिए रात को सोने से पहले कुछ अखरोट खाएं और अच्छी नींद लें। वॉलनट्स आर गुड फॉर द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है उसके साथ साथ और भी बहुत से बॉडी सिस्टम्स गड़बड़ा जाते हैं, खासकर हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। वॉलनट्स को डाइट में शामिल करने से उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक रहेगा, ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी तो ब्लड नेचुरल हार्ट हेल्थ बढ़िया होगी ही। इसके साथ अगर वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, जंक ना खाएं, वॉक और एक्सरसाइज में रेगुलर रहें तो क्या बात। वॉलनट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे होने वाले बच्चे का फूड एलर्जी से बचाव रहता है, उनकी ग्रोथ बढ़िया होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। स्ट्रेस को भी कम करने में फायदेमंद है अखरोट की गिरी। सो नियमित रूप से अखरोट का सेवन करें, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख स्ट्रेस को दूर करेगा। वॉलनट्स आर एक्सीलेंट फॉर स्किन। इसके बी विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट स्किन को फ्री रेडिकल से बचा कर रखते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही अर्ली एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं के कारण स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ अखरोट खाएं और लंबे समय तक जवान दिखें। एजिंग का असर सबसे पहले स्किन और बालों से दिखता है, रिंकल्स नजर आने लगते हैं और बाल सफेद होने लगते हैं। बट नथिंग बैड इन दिस, लाइफ की हर स्टेज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही चाहिए। बट आजकल कुछ अलग ही दिखने को मिल रहा है, छोटी एज में 25-30 साल की एज में ही बाल सफेद होने लगे, टांगे और घुटने दर्द होने लगे। इसका मेन रीजन तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है। अगर बच्चे न्यूट्रिशनल चीजों को इम्पोर्टेंस देने लगे तो काफी समस्याओं का समाधान हो सकता है। वॉलनट्स खाने से जल्दी बाल सफेद होने और डैंड्रफ की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसमें विटामिन B7 होता है जो बालों को मजबूती देता है, बाल गिरने कम हो जाते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है। बोन्स की हेल्थ के लिए भी ये नट्स बहुत बढ़िया है। इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी में कैल्शियम को अब्सॉर्ब कराने में मदद करते हैं, जिससे कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट होता है और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है।
ये बोन्स और जॉइंट्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। सभी हाई फैट रिच फूड मोटापा बढ़ाते हैं, लेकिन अखरोट फैट रिच होते हुए भी इसे वेट लॉस के लिए फायदेमंद माना गया है। अगर हम 6-7 अखरोट खा लेते हैं तो हमारी भूख हाई फैट के कारण लंबे समय तक शांत रहती है, और वेट लॉस के लिए ये जरूरी है कि आपका पेट भरा रहे और आप फालतू का सामान न खाएं। वेट लॉस करना है तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी खाएं क्वालिटी फूड खाएं, जिससे आपको अच्छी न्यूट्रिशन मिलती रहे और वॉक और एक्सरसाइज में भी रेगुलर रहें। वॉलनट्स इंप्रूव द स्पर्म क्वालिटी एंड मोटिलिटी इन मैन। अखरोट को हमेशा उसकी स्किन के साथ ही खाएं, क्योंकि मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स उसी में होते हैं। प्रेफरेबली ऑर्गेनिक नट्स ही खरीदें और उन्हें कच्चा ही खाएं, तभी आप उनके पूरे न्यूट्रिएंट्स का फायदा ले सकेंगे। वॉलनट्स बहुत जल्दी खराब होते हैं और उनकी फैट से हेल्थी न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगते हैं। खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप शेल्ड अखरोट खरीद रहे हैं तो वो पकड़ने में भारी होने चाहिए, उनपे कोई क्रैक ना हो, कोई किसी तरह का दाग धब्बा ना हो, उन्हें स्मेल करने पर कोई खराब स्मेल ना आ रही हो। अखरोट की गिरी को एयरटाइट कंटेनर में डालकर हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर करना चाहिए। थोड़ी सी हीट से भी ये खराब हो सकते हैं, सो इट्स बेस्ट टू स्टोर देम इन